हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री है। लेसन 5th है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इफ पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। अब सपोज पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी होगा, और ये जो दोनों पॉइंट है, अब दो पॉइंट तो कोलिनियर रहती ही है, ठीक है, दो पॉइंट में से लाइन तो 100% जाना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। वहाँ पर कहीं तो भी पॉइंट पी है और जो पॉइंट पी क्या करता है 2:3 ये रेशियो में इसको डिवाइड करता है, यानी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2:3 आएगा शायद, है ना। अब ए के कोऑर्डिनेट है -1, 7, बी के कोऑर्डिनेट है 4, -3, तो हमको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पूछे गए और हमको एक फॉर्मूला भी, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो इस पर एक फॉर्मूला तो होगा ही, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि m:n ये रेशो में वो डिवाइड करता है ना। सो अगर देखा जाए तो m:n ये रेशो क्या होगा 2:3, है ना, और इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 3 ना। समझ में आ रहा होगा आपके कि ये रेशो में वो डिवाइड करता है, उसमें इसके ऊपर ऑलरेडी देकर भी है कि ए बी अपॉन बी पी, समझो बी ए है सो ए बी अपॉन बी पी ये समझो 2:1 रेशो में है, तो इसे बता कर है हमको। तो वो सॉल्व करते करते हम समझ में आ जाएगा ही और हम समझने की कोशिश भी करने वाले हैं। सो सपोज, सो सपोज या बोलेंगे लेट, बोलेंगे सीधा सीधा लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज एक्स वाई। सपोज एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट है किसके, पी के, जो कि हमारा आंसर आगे रहने वाला है। सो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला तैयार है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन, सॉरी एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अब m अभी मैंने बताया कि 2 होगा, सो 2 इंटू, अब x2 क्या लेना है, तो सपोज ये है x1y1, ये है x2y2, सो x2 क्या है 4 प्लस n कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या होगा माइनस वन और डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3, ठीक है। सो 4 2 जार 8, 3 1 जार 3 माइनस वाला -3 और 3 प्लस 2 5, 8 माइनस 3 5 अपॉन 5, सो 1, x की वैल्यू 1 आ गई। y के लिए भी वैसा ही है, y इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये देखो, जे एक फार्मूला याद रखो आप तो दूसरा फार्मूला आपको याद ही हो जाएगा, जैसे एक में एक पर ही डिपेंड है वो। सो m है 2, y 2 अभी देखे हमने -3 प्लस n है 3 और y 1 है 7 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, 3 2 जार 6 माइनस वाले, 7 3 जार 21, 3 प्लस 2 5, सो 21 में से 6 माइनस अगर किए हमने सो 15 बाय 5 और 5 3 जार 15 होते हैं, सो 3 इसका आंसर आया। सो हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 1 3, 1 और 3 उसके कोऑर्डिनेट हमको मिलते हैं। बस इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं थी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो ए इज टू बी। अब
पी क्यू इसके बीच में कहीं तो भी पॉइंट ए है जो ए ए इज टू बी ये रेशो में उसको डिवाइड कर रहा है, और ए इज टू बी रेशो ऑलरेडी हमको देकर है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो पूरे वैल्यू देकर है, क्वेश्चन वन के जैसा ही है ये, ऐसा कुछ इसमें चेंज तो है ही नहीं। सो चलो हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पॉइंट पी लिख देता हूँ मैं, ये मैंने लिख लिया है। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स वाई, फिर वैसे ही अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। एम की वैल्यू देखो, अब यहाँ पर देखो ए इज टू बी दे गए ना, यही है एम इज टू एन, तो एम क्या हो गया टू और एन क्या हो गया वन। सो एक्स वन वाई वन माइनस थ्री सेवन और एक्स टू वाई टू वन माइनस फोर, है ना। सो इसके लिए कोई अजम्पशन लिखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लाइन बढ़ाना है, आपको एक्स्ट्रा इम्प्रेशन अगर टीचर पे डालना है कि बाप ठीक है बाप मुझे बहुत आता है, तो फिर कोई यूज़ प्रॉब्लम नहीं, आप यूज़ कर सकते हो वो लाइन कि सपोज एक्स वन वाई वन माइनस थ्री सेवन है, एक्स टू वाई टू वन माइनस फोर है और एम टू है एन वन है, एक लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नहीं तो नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एम है टू इंटू वन प्लस वन इंटू एक्स वन क्या था माइनस थ्री अपॉन एम प्लस एन मतलब टू प्लस वन। सो टू वन जार टू, थ्री वन जार थ्री माइनस वाला है, टू प्लस वन थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन बाय थ्री, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, यानी आधा आंसर वैसे ही ख़त्म हो गया। देन वाई एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, फिर से टू इंटू वाई टू क्या है माइनस फोर प्लस वन इंटू वाई वन क्या है सेवन अपॉन टू प्लस वन, फोर टू ज़ार एट प्लस सेवन वन ज़ार सेवन अपॉन टू प्लस वन थ्री माइनस वन बाय थ्री। सो ए मिल गया है हमको माइनस वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वो लिख कर रख देता हूँ मैं पहले, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। सपोज ये है एक्स वन वाई वन, ये है एक्स टू वाई टू और ये है एम ये है एन, ओके। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स वाई, ओके। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, y इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सो m थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू एक्स वन माइनस टू अपॉन थ्री प्लस फोर, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, फोर टू ज़ार एट माइनस वाले, फोर प्लस थ्री सेवन, सो ये आएगा फोर बाय सेवन, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला मैंने लिख लिया है। सो थ्री इंटू एम वाई टू क्या है थ्री प्लस फोर इंटू वाई वन क्या है माइनस फाइव अपॉन थ्री प्लस फोर। माइनस नंबर आएगा ना तो माइनस नंबर को कभी भी ब्रैकेट में दे देना, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थ्री थ्री ज़ार नाइन प्लस फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी, बट कौन सा वाला माइनस, इसलिए प्लस वाला रॉन्ग हो गया, माइनस ट्वेंटी अपॉन सेवन, से आएगा माइनस एलेवन अपॉन सेवन। सो हेंस पॉइंट ए हमको फिर से मिलता है कि फोर बाय सेवन माइनस एलेवन बाय सेवन, ओके। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। सो ये थर्ड क्वेश्चन भी लिख लिया है मैंने। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी
बी क्या होंगे पी के कोऑर्डिनेट, सपोज एक्स वाई, सो ये है एक्स वन वाई वन, ये है एक्स टू वाई टू, ये है एम, ये है एन, ओके सो फिर से वही बात आ रही है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, सो एम एक्स टू मीन्स वन इंटू माइनस फोर, वन इंटू माइनस फोर, ये देखो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन टू इंटू टू, एम प्लस एन है वन प्लस टू, सो फोर वन जार फोर कौन सा वाला माइनस, प्लस टू टू जार फोर, टू प्लस वन थ्री, सो माइनस फोर प्लस फोर जीरो, सो इसका आंसर तो जीरो ही आएगा। उसके बाद वाई एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, फिर से वन इंटू वाई टू क्या है वन, प्लस टू इंटू वाई वन क्या है सिक्स अपॉन वन प्लस टू, वन वन जार वन, सिक्स टू जार ट्वेल्व, टू प्लस वन थ्री, थर्टीन बाय थ्री, सो हमको कोऑर्डिनेट मिलते हैं पॉइंट ए के ज़ीरो थर्टीन बाय थ्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है, अब क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम। क्वेश्चन थर्ड है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी माइनस वन सिक्स डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन देकर रही है, अब यहाँ पर बाकी पूरे कोऑर्डिनेट्स देकर है, रेशो पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तीन वैल्यू में से दो वैल्यू देकर रहे तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी चार वैल्यू में से तीन वैल्यू देकर रहे तो हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। सो लेट द रेशो बी एम इज टू एन, समझो वो एम इज टू एन रेशो है और एम इज टू एन तो निकाल रहे थे हम अभी तक, अब एम इज टू एन यानी देकर था दूसरे निकाल रहे थे कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट देकर एम इज टू एन पूछा गया, सो हम क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज पुट आउट करो, जहां तक के आंसर आता है वहां तक के आंसर निकालो, सो एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब एम की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, है ना, बट एक्स की वैल्यू हमको पता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके वो बार बार पेज पलटाने से अच्छा है कि हम उसका आंसर ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो लिख ले। सो टी ये जो है ये है माइनस वन सिक्स, पी जो है वो है माइनस थ्री टेन, और क्यू जो है वो है सिक्स माइनस एट, ओके सो यहाँ पर जो ये माइनस वन सिक्स है ये है एक्स वाई, आ रहा है ना समझ में, ये है इसको देंगे हम एक्स टू वाई टू और इसको देंगे हम एक्स वन वाई वन, देखो ये है हमारी इन्फॉर्मेशन, बस यहीं के वैल्यू यहाँ पर पुट करने हैं, ओके सो एक्स की वैल्यू क्या देकर है माइनस वन, सो माइनस वन इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू देकर है क्या, नहीं वही तो पूछा ही है, एक्स टू क्या है सिक्स, यानी सिक्स ही एम आएगा, एम इंटू सिक्स लिखता हूँ पहले मैं, और एन इंटू लिखता हूँ मैं एक्स वन माइनस थ्री अपॉन एम प्लस एन, वो तो देकर नहीं है, ओके उसके बाद ये जो एम प्लस एन है वो जाकर वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड यहाँ पर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सो ये हो जाएगा माइनस एम प्लस एम का हो गया माइनस एम, या तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, माइनस वन इंटू एम प्लस एन इज इक्वल्स टू सिक्स एम माइनस थ्री एन, देखो आपको समझ में आ रहा होगा
मैंने क्या किया, यहाँ पर जो डिवाइड है इधर जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो गए, है ना। अब माइनस वन इंटू एम माइनस में एम माइनस एन इज इक्वल्स टू सिक्स एम माइनस थ्री एम, सिक्स एम माइनस थ्री एन। ओके, अब हम क्या करेंगे, m एक साइड ले लेंगे और n दूसरे साइड ले लेंगे, ठीक है। सो ये 6m को मैं अगर इधर लेकर जाऊँ तो वो प्लस हो जाएगा, सो माइनस m प्लस 6m। ये देखो ये यहाँ पर था और ये प्लस है इधर, माइनस हो गया, सॉरी माइनस इज इक्वल्स टू क्या बचा है यहाँ पर, माइनस 3n ही बचा, और ये माइनस n इधर जाने के बाद प्लस n, माइनस m माइनस 6n माइनस 7m इज इक्वल्स टू माइनस 3n प्लस n माइनस 2n, ठीक है। अब माइनस माइनस दोनों भी साइड है, ये तो कट गए, आ रहा है समझ में, ये तो सीधे सीधे कट चुके हैं। अब ये 7 और ये माइनस जो 2 था, अब ये तो प्लस अभी बोला है मैंने, तो ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, ओके। और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ n, और यहाँ पर क्या बचा, m। सो ये जो m है ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हुआ, n बाय m ये रेशो मिला है 2 7 बाय 2, हमको m बाय n ये रेशो पूछा है ना, सो हम करेंगे m इज टू n इज इक्वल्स टू, इसका भी उल्टा रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं, हाँ, सो 2 बाय 7, सो m इज टू n रेशो ये मिला 2 बाय 7। बट कौन से कंडीशन में मिला, जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, ये x की वैल्यू। अब वैसे ही हमको y की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, सो फिर से y इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब y की वैल्यू क्या है, 6, ये y की वैल्यू 6, सो 6 इज इक्वल्स टू एम इंटू वाई टू कितना है, माइनस 8, प्लस एन इंटू वाई वन कितना है, 10 अपॉन एम प्लस एन। फिर से ये 6 इंटू एम प्लस एन हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड है इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, ये है माइनस 8m प्लस 10n, फिर से 6m प्लस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 8m प्लस 10n। ये 6m जैसे कि वैसे ही रखता हूँ, माइनस 8m इधर आने के बाद प्लस 8m इज इक्वल्स टू ये 10n है, और ये प्लस 6n है इधर जाने के बाद माइनस 6n, 6m प्लस 8m 14m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4n। ये यहाँ पर m है, ये n है इधर, मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड, ये आया 4 और ये 14 इधर आया नीचे, ओके। सो ये है m बाय n, ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 2 4 एंड 2 7 14, 2 बाय 7, और दोनों ही कंडीशन में m बाय n इनका रेशो सेम आया है, सो हेंस रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7, यानी कि जो पॉइंट p पॉइंट t है वो 2:7 ये रेशो में क्या कर रहा है, वो ए पी सॉरी क्या है पी क्यू, पी क्यू ये लाइन को 2:7 रेशो में डिवाइड कर रहा है, ओके। देखो समझ में आया होगा आपको, ये नंबर्स का खेल है पूरा, आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में जहाँ जहाँ वैल्यू है वो लिखना है। तो दो कंडीशन है इसके, सबसे पहले तो ये वैल्यूज पुट आउट कर लो, यानी इनको डिनोट कर लो, x1y1 x2y2 और xy, और xy किसको देंगे आप, जो डिवाइड कर रहा है उसको xy, बाकी x1 और x2 आप कोई भी नंबर को दे सकते हो, p का कोऑर्डिनेट या तो q का कोऑर्डिनेट। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन फोर्थ है, पॉइंट p इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ab इज अ डायमीटर। अब थोड़ा सा सर्कल की तरफ जा रहे हैं, सो पॉइंट हम छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जबकि हमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो पॉइंट पी सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका सेंटर है पॉइंट पी, ये चलो पॉइंट पी सेंटर दे दिया है मैंने,
और ए बी उसकी डायमीटर है, तो डायमीटर ये कभी भी सेंटर में से जाती है, सो ये है ए बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पी आर, ए के है 2-3 और पी के है -2, 0, तो बी के कोऑर्डिनेट ये हमको फाइंड आउट करने हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर उतना तो कुछ यानी एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो स्टूडेंट, डिवाइड कौन कर रहा है? पी, तो इसको दे दो एक्स वाई, और डिवाइड कौन से हो रहे हैं? ए और बी, तो इसको दे दो X1 Y1, इसको दे दो X2 Y2। सिंपल है। और अभी हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ किया, तो आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि रेडियस ये कभी भी क्या रहती है, हाफ रहती है डायमीटर के। और दूसरी बात, ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल, ये डायमीटर का मिड पॉइंट रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो पॉइंट पहले उसको लिखना पड़ेगा हमको कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो पी इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड ए बी इज डायमीटर, हेंस ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ये होता है क्योंकि हम इसका रीजन लिख सकते हैं, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है वो, और अगर ऐसा होगा सो पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट हो गए। सो लेट पी -2, 0 इज एक्स वाई एंड ए 2-3 बी X1 Y1 एंड बी X2 Y2। आया समझ में? बस हो गया हमारा आधा आंसर, तो यही खत्म हो गया। ये समझ गया होगा तो आंसर समझ में आ ही जाएगा कि बाय या तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स इज इक्वल्स टू X1 + X2 / 2 और वाई इज इक्वल्स टू Y2 + Y1 / 2। ये आगे पीछे कर सकते हो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्स की वैल्यू देकर है हमको -2 इज इक्वल्स टू X1 हमने लिया है 2 प्लस X2 नहीं पता / 2। सो 2 2, ये 2 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, सो -4 इज इक्वल्स टू 2 + X2। -4, ये 2 इधर प्लस है, इधर जाने के बाद -2 इज इक्वल्स टू X2, हेंस X2 इज इक्वल्स टू -4 - 2 - 6। मिल गया X2। इसके बाद y का भी लिखा मैंने, y इज इक्वल्स टू Y2 + Y1 / 2। y है 0 इज इक्वल्स टू, Y2 नहीं लिखा था मैंने, Y2। Y1 कितना है? -3 -3 / 2 2 0 0 इज इक्वल्स टू Y2 - 3। सो हेंस Y2 इज इक्वल्स टू -3 इधर जाने के बाद प्लस Y2 इज इक्वल्स टू 3। हो गया, कोऑर्डिनेट मिल गए, हो गया हमारा आंसर खत्म। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -6, 3। पहले एक्स वाला ही लिखना चाहिए, -6, 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट्स पी के 7 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। और ऐसे जैसे ए होगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर बी हमने लिया तो ए के कोऑर्डिनेट 8, 9, बी के कोऑर्डिनेट 1, 2। अब ऐसा देखा जाए कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो बी इधर होना चाहिए था, ए इधर होना चाहिए था, और पॉइंट पी कुछ तो भी डिवाइड कर रहा है, सो के और 7 में। ठीक है, सो सपोज इसको एक्स, इसको वाई, इसको X1 Y1, इसको X2 Y2 हम कंसिडर करें, या तो फिर इसको X1 Y1 कंसिडर करेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे वह है, ये X2 Y2। फिर से हमें यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो हम
सॉल्व करेंगे इसको। सो लेट पॉइंट पी के सेवन इज इक्वल्स टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ए जो कि है 8 9, उसको लेंगे हम एक्स टू वाई टू, और बी 1 2 इसको लेंगे हम एक्स वन वाई वन। तो ये जो पॉइंट पी इन रेशो, इसको कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, एम इज टू एन, ये रेशो में। ओके तो फिर से हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। सो हेंस बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कि एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एम एक्स सॉरी एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। सो एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स मतलब क्या था, के है, के इज इक्वल्स टू एम हमको पता नहीं है, सो एम एक्स टू हम लेते हैं 8 प्लस एन एक्स वन एन वन अपॉन एम प्लस एन, नहीं निकला है एम प्लस एन, और के ये देखो एम प्लस एन इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई है, सो के एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 8 एम प्लस एन। ओके सो यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पर हम y निकालेंगे, y एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो y कितना है 7, सो 7 इज इक्वल्स टू एम वाई टू 9 प्लस एन इंटू वाई वन 2 एन अपॉन एम प्लस एन, इसको भी वहीं पे हम रख देते हैं। सो 7 इन ब्रैकेट एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 9 एम प्लस 2 एन, सो 7 एम प्लस 7 एन इज इक्वल्स टू 9 एम प्लस 2 एन। ये 9 एम यहाँ पर ही रखता हूँ मैं कि 9 एम, ये 7 एम इधर प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस, यहाँ बचा 7 एन और ये 2 एन यहाँ पर प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस 2 एन, 7 माइनस 2 5 एन इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2 एम। सो एम बाय एन रेशो मिलता है हमको, एम इज टू ये डिवाइड कर रहा हूँ मैं, एन इज इक्वल्स टू ये 5 और ये 2 इधर आने के बाद 2, सो एम इज इक्वल्स टू 2 एंड एन इज इक्वल्स टू सॉरी एम इज इक्वल्स टू 5 ये 5 और एन इज इक्वल्स टू 2। सो यही हम पुट करेंगे, पुट इन 1। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई लाइन यानी कि कोई स्लोप हो, कोई लाइन हो, यानी कोई पॉइंट्स हो जो कोलिनियर हो, एक ही लाइन होंगे ना, तो उनका जो रेशो है ना एम इज टू एन ये सेम रहता है, ठीक है। इसलिए ये जो रेशो है ये इधर भी सेम रहेगा एक्स के अकॉर्डिंग जैसे वाई के अकॉर्डिंग है, और इसके ही पहले हमने उस वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, जिसमें हमने दो रेशो निकाले थे। ऐसा अगर देखा जाए तो दोनों भी रेशो निकालने की जरूरत नहीं, एक रेशो भी अगर आप निकालते हो तो उसका आंसर आ जाएगा, बट हमने दोनों भी आंसर निकाले क्योंकि हमें कन्फर्म करना था। यहाँ पर वैसा भी किया हमने, अब ये जो m की वैल्यू है हम 5 पुट कर सकते हैं और n की वैल्यू 2 हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो k इन ब्रैकेट m प्लस n मीन्स 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, m मतलब 5 प्लस n मतलब 2, सो 5 प्लस 2 7, k इज इक्वल्स टू 40 प्लस 2 42, सो k इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 7, सो k इज इक्वल्स टू 6, k की वैल्यू 6 हमको मिल जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ और 6th क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 6th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0, 16। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन थे वो सेक्शन फार्मूला पर थे, अब यहाँ पर हमें थोड़ा मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट, पॉइंट पी जो है वो ए और बी इनका मिड पॉइंट हो रहा है, सो लेट
पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई लेंगे इज मिड पॉइंट ऑफ ए जिसके कोऑर्डिनेट है 22 20 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0 16। ठीक है, आ रहा है आपको यहाँ तक समझ में? सो हिंस बाय मिड पॉइंट फार्मूला, अब मिड पॉइंट फार्मूला के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहता है मिड पॉइंट फार्मूला? सो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू और वाई इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू बाय टू। ठीक है, सो 20 प्लस 0 अपॉन टू, सो ये आएगा 20 बाय 2 इज इक्वल टू 10। नहीं ये 20 है क्या, 22 है, देखो 22 था ये, सो 22 बाय 2 तो ये आएगा 11 और y इज इक्वल्स टू y1 वन मीन्स 20 प्लस 16 बाय 2 यानी कि 36 बाय 2 इज इक्वल्स टू 18। सो x कोऑर्डिनेट आया 11 और y कोऑर्डिनेट आया 18, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 11 18। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 खत्म हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7th है, फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। अब हमको सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो हम पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो सपोज हम क्या करेंगे, इसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री हम ऐसे इसको कंसिडर करते हैं। सो हम लिखेंगे डायरेक्ट सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, ये निकलेगी हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको माइनस सेवन प्लस टू प्लस एट अपॉन थ्री, एट माइनस सेवन वन, वन प्लस टू थ्री, थ्री बाय थ्री इज इक्वल्स टू वन और इधर y वैल्यू निकलेगी हमारी सिक्स प्लस माइनस टू प्लस फाइव, सिक्स माइनस टू फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, सो नाइन बाय थ्री, इधर बाय थ्री लिखना रह गया था तो थ्री थ्री जार नाइन। सो हेंस कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स क्या है, वन थ्री। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको लिख लेता हूँ मैं। सो ये है सेकंड क्वेश्चन, सो इसका भी सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, और सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाने के लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। ओके, सो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री और y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। ठीक है, सो थ्री प्लस फोर प्लस एलेवन बाय थ्री, इधर रहेगा माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस फोर, माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस फोर बाय थ्री। ओके, सेवन सेवन प्लस एलेवन एटीन बाय थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स और यहाँ पे माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स, माइनस सिक्स बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। सो कोऑर्डिनेट हमको मिलते हैं सिक्स माइनस टू। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फोर सेवन एट फोर और सेवन एलेवन है। सो फिर से बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री और y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। सो ये है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फोर प्लस एट प्लस सेवन बाय थ्री,
19 बाय 3 आ रहा है ये, और इसके आगे तो इस सॉल्व नहीं होगा। और y1 y2 y3 7 4 11, 7 प्लस 4 प्लस 11 बाय 3, 22 बाय 3 आ रहा है ये। सो हेंस कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं हमको, 19 बाय 3 और 22 बाय 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन 7 ख़त्म होता है। चलो क्वेश्चन 7 की तरफ हम चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 8 है, इन ट्रायंगल एबीसी जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब स्टूडेंट देखो, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स देकर है और दो पॉइंट्स देकर है ट्रायंगल के, तीसरा पॉइंट पूछा गया है। अब इससे तो इजी क्वेश्चन नहीं होगा, बस अभी जो हमने 7th क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका उल्टा है इसमें। सो सेंट्रोइड फार्मूला हमने अगर अप्लाई कर दिया तो हमारे आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, 8 क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। सो बाय सेंट्रोइड फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे ही लिखता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, और वाई इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। ठीक है, सो हम इसको एक्स और वाई समझेंगे, वो तो है ही। तो ये समझा मैंने एक्स और ये समझा है मैंने वाई। ठीक है, एक्स वन और एक्स टू देकर है हमको, माइनस फोर्टीन प्लस थ्री, माइनस फोर्टीन प्लस थ्री, एक्स थ्री देकर नहीं है बाय थ्री। और इधर भी देखो, वाई थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री नहीं देकर है, माइनस नाइनटीन प्लस फाइव, माइनस नाइनटीन प्लस फाइव प्लस वाई थ्री बाय थ्री। आ रहा है ना समझ में, हमको सिर्फ थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं देकर है, थर्ड पॉइंट के ही तो कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। सो माइनस फोर, ये थ्री इधर डिवाइड है मल्टीप्लाई, फोर थ्री जार ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू माइनस फोर्टीन प्लस थ्री, माइनस एलेवन होगा शायद, माइनस एलेवन प्लस एक्स। अब ये माइनस एलेवन इधर जाने के बाद प्लस, माइनस ट्वेल्व प्लस एलेवन इज इक्वल्स टू एक्स, और माइनस ट्वेल्व प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया माइनस वन। अब ये थ्री यहाँ पर डिवाइड है इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, सेवन थ्री जार माइनस ट्वेंटी वन, माइनस नाइनटीन प्लस फाइव, माइनस फोर्टीन प्लस वाई थ्री, माइनस फोर्टीन इधर जाने के बाद प्लस फोर्टीन, ट्वेंटी वन प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू वाई थ्री, और ट्वेंटी वन में से फोर्टीन आप माइनस करो तो सेवन बचेगी और वो बचेगी माइनस इज इक्वल टू वाई थ्री। मिल गया हमको कोऑर्डिनेट। सो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी पूछे थे उन्होंने, आर माइनस वन माइनस सेवन। यहाँ पे हमारा आंसर इसका खत्म हो जाता है। इतना तो कुछ हार्ड तो था नहीं, वो सिर्फ एक लॉजिक लगाना है आपको कि भाई ज़्यादा वैल्यू देकर है, कम वैल्यू पूछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो वैल्यू पूछे, बाकी तीन चार वैल्यूज तो हमको देकर ही दे। उसके बाद है क्वेश्चन 9 में है, ए जिसके कोऑर्डिनेट है एच माइनस सिक्स, और बी टू थ्री है, और सी माइनस सिक्स के है, आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल हुज सेंट्रोइड इज जी वन फाइव फाइव डी एच एंड के। तो वही बात आ रही है, सेंट्रोइड फार्मूला ही लगाना है हमको। क्वेश्चन 9 देख रहे हैं हम, तो अब इसको अगर एक्सप्लेनेशन देना है तो दे सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, बाय सेंट्रोइड फार्मूला, बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी सेंट्रोइड, ये जी से ही नॉर्मली डिनोट होता है। और क्या है उनके कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, और वाई कोऑर्डिनेट है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री। अब जो जो वैल्यू दिख रही है वो वैल्यू रख दो, जैसे कि यहाँ पर देखो ए है एच माइनस सिक्स, बी है टू थ्री, और सी है माइनस सिक्स के, ये है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री।
आ रहा है समझ में। और x और y क्या है, 1 5। सो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे और y इज इक्वल्स टू 5 लेंगे। इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एच प्लस टू माइनस सिक्स, एच प्लस टू माइनस सिक्स बाय थ्री। और यहाँ पर लेंगे हम माइनस सिक्स प्लस थ्री प्लस के, माइनस सिक्स प्लस थ्री प्लस के बाय थ्री, है ना। सो थ्री इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, सो ये हो गया थ्री, ये हो गया एच, और टू माइनस सिक्स माइनस फोर, माइनस फोर इधर जाने के बाद प्लस फोर, सो थ्री प्लस फोर इज इक्वल्स टू एच, हेंस एच इज इक्वल्स टू 7। एच की वैल्यू कितनी मिलती है हमको, 7। फिर इधर ये 3 डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, 5 3 15 इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स प्लस थ्री, माइनस थ्री प्लस के, माइनस थ्री इधर है तो इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, सो 15 प्लस थ्री इज इक्वल्स टू के, हेंस के इज इक्वल्स टू 15 प्लस थ्री 18। तो के की भी वैल्यू हमको मिल गई और एच की भी वैल्यू मिल गई। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 10th है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए एंड बी। अब ट्राइसेक्शन मतलब एक लाइन के तीन इक्वल पार्ट किए गए होंगे तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। जैसे कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 2 7, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -4 -8, ठीक है। ये इनके कोऑर्डिनेट यहाँ पर देकर है। अब उनका ट्राइसेक्शन मतलब उसमें अगर लाइन पास होती है तो इक्वल उसके तीन पार्ट हो रहे, 1 2 3। तो सपोज हम इसको दे देंगे पॉइंट पी और इसको दे देंगे हम क्यू, और ये है 1 2 3, सेम है वो। यहाँ तक की डिटेल हमको क्या थी, देकर ही थी, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई ऐसा कोई जादू किया नहीं है, वो इतना हमको उन्होंने दे करी। उसके बाद अब ये जो पी क्यू नाम है ये हमने लिया है मन से, तो वो तो देना ही पड़ेगा। सो लेट पॉइंट्स पी एंड क्यू बी द ट्राइसेक्शन, बी द ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट ए बी। सपोज सेगमेंट ए बी के ट्राइसेक्शन है वो, ओके। सो हेंस ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, या तो क्यू बी बोलो, ठीक है। तो ये हमको मिलता है, ये यहाँ से उन्होंने दिया है। अब अगर हम ए पी बाय पी बी लेते हैं, ए पी अपॉन पी बी अगर हम लेते हैं, सो ए पी बाय पी बी, तो स्टूडेंट पी बी का मतलब क्या है, पी क्यू प्लस क्यू बी। आ रहा है समझ में, पी क्यू प्लस क्यू बी, ये दोनों से ही तो बना है ना पी बी। सो इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी क्यू प्लस क्यू बी, है क्या नहीं, क्योंकि इसका रीजन क्या दे सकते हैं हम, पी डैश क्यू डैश बी। सो इसका रीजन है पी डैश क्यू डैश बी, है ना, कोई चेंज तो नहीं किया। अब मुझे एक बात बोलो, इसको अगर मैंने नंबर 1 दिया ये इक्वेशन को, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी है, इसका मतलब क्यू बी के जगह मैं पी क्यू भी ले सकता हूँ, मैं ए पी भी ले सकता हूँ, क्योंकि तीनों भी सेगमेंट सेम है। सो हेंस ए पी अपॉन पी क्यू को लेता हूँ मैं ए पी, प्लस इसको भी लेता हूँ मैं ए पी। सो इसका रीजन क्या है, फ्रॉम 1 1 से मैंने लिया है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ए पी प्लस ए पी 2 AP, ए पी अपॉन 2 AP, और AP कट हो गए तो ये क्या आया 1/2। इसका मतलब ए पी अपॉन पी बी, ये जो हमने रेशो लिया था वो कितना आता है, 1:2, ठीक है। और इसका मीनिंग है कि पॉइंट पी ये ए बी को क्या कर रहा है, ए बी को पॉइंट पी 1/2 ये रेशो में वो डिवाइड कर रहा है। दिस मीन्स दैट पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशो, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। और ये जो रेशो की बात आ रही है तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या, वो m:n। सो लेट
दैट बी एम इज टू एन, और एम इज टू एन ये रेशो जो है वो कहाँ पर मिलता है हमको, सेक्शन फॉर्मूला में मिलता है शायद, है क्या नहीं? सो हेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, अब हम आ रहे हैं हमारे लाइन पर। सो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या रहेंगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। और m और n की वैल्यू हमको पता है, 1 इज टू 2 है, यानी m इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल्स टू 2 है। सो 1 इंटू एक्स टू मतलब, अब मैं ऐसे समझता हूँ कि ये है एक्स टू वाई टू और ये है एक्स वन वाई वन, ठीक है। सो एक्स टू कितना है, माइनस फोर, सो माइनस फोर प्लस n कितना था 2, और x1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, सो ये आएगा माइनस 4 प्लस 4 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x कोऑर्डिनेट इसका 0 आया। फिर इधर y कोऑर्डिनेट के लिए फिर से m 1 है, y2 है माइनस 8 प्लस n 2 है, y1 है 7 अपॉन 1 प्लस 2, माइनस 8 प्लस 14 बाय 3, सो 14 माइनस 8 6 बाय 3, तो ये आया 2, हेंस पी 0 2, ये उसके कोऑर्डिनेट हमको मिलते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एक ही क्वेश्चन, अब पॉइंट क्यू भी बचा, और पॉइंट क्यू को भी हम क्या बता सकते हैं 2:1 रेशो में। तो यहाँ पर मैं अब पेज पलटने जा रहा है, इसलिए ये आप यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक्सप्लेन करते करते शायद आपने ले भी लिया होगा या सुनते सुनते ही आप लिख रहे भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यू के तरफ चलेंगे। सो सिमिलरली पॉइंट क्यू डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशो 2:1 दैट इज एम इज टू एन, पॉइंट क्यू भी डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन में, सो हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई इज इक्वल्स टू रहेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। फिर से वही बात आ रही है, चलो वैल्यूज पुट आउट करेंगे हम। सो एम है 2, एक्स टू है माइनस 4 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, माइनस 8 प्लस 2 अपॉन 3, सो ये आया माइनस 2 अपॉन एम 2 वाई 2 माइनस 8 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 लिखो कोई दिक्कत नहीं है। सो 8 टू जार 16 माइनस वाले प्लस 7 अपॉन 3, सो ये आएगा माइनस 3 क्योंकि ये है माइनस 9 बाय 3, ओके। सो हेंस क्यू माइनस 2 माइनस 3 ये उसके कोऑर्डिनेट हमको मिलते हैं। सो पी और क्यू ये दोनों के भी कोऑर्डिनेट हमने इजीली निकाल लिए हैं, थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाना चाहिए आपने, और लॉजिक लगाने के बाद फिर मैजिक होता ही है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 11 है कि पॉइंट ए और बी देकर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। अब तीन अभी तीन का किया ना, 4 इक्वल पार्ट की बात चल रही है, सो चलो भाई वो भी कर लेंगे। सो 11th क्वेश्चन देख रहे हैं हम,
और सपोज ये है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है -14 -10, और यहाँ पर सपोज हम ले लेते हैं पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 6 -2, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसके 4 इक्वल पार्ट हुए, तो 1 2 3। तो ये है सपोज पी क्यू आर, ये नाम अगर मैं ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये है इक्वल, ठीक है। तो ये ट्राई सेक्शन नहीं, अब ये तो क्वाड्रा सेक्शन हो चुका है ना, क्योंकि चार मतलब क्या रहता है, क्वाड्री। तो चलो भाई इसको भी सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये, बट अगर समझ में आ रहा होगा तो आपको, जैसे अभी तीन पार्ट किए थे तो 1:2 रेशो था ना, अब चार पार्ट किए तो 1:3 रेशो आएगा ही, ठीक है। तो ये तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ आपको, वो हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स लेट पॉइंट पी क्यू आर डिवाइड्स ए बी इन 4 सेगमेंट्स या 4 इक्वल पार्ट्स, चार इक्वल पार्ट्स में सपोज वो डिवाइड कर रहे हैं। सो हेंस ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर बी, इसको दे देते हम नंबर 1। फिर से वही कंडीशन, सो ए पी अपॉन पी बी ले लेंगे हम, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू पी बी, मतलब क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी। सो ए पी अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी, और ये सभी इक्वल है इसलिए ए पी अपॉन ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी, ये स्पेस है। पी क्यू मतलब ए पी इक्वल है, क्यू आर मतलब भी ए पी इक्वल है, और आर बी मतलब भी ए पी के इक्वल है, तो इतने बार। सो इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन 3 AP इज इक्वल्स टू 1:3, ओके। सो हेंस इसको पूरा को रीजन दे देंगे फ्रॉम 1। सो हेंस पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशो 1:3, 1:3 ये रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, इतना तो प्रूफ हो चुका है। सो हेंस बाय सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। फिर एम मतलब कितना है, 1, ये एम इज टू एन, एम है 1 और एन है 3, सो ये 1, और एक्स टू, अब एक्स टू के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको दे देता हूँ एक्स टू, ये एक्स टू वाई टू, ये एक्स वन वाई वन, सो ये 6, 1:6 प्लस एन मतलब है 3 इंटू एक्स वन कितना था, -14, सो -14 अपॉन एम प्लस वन यानी कि 1+3, सो 6 ones are 6 -42 अपॉन 4 -36 अपॉन 4 -9, -9 ये एक्स कोऑर्डिनेट आया पॉइंट पी का, और वाई कोऑर्डिनेट भी वैसे ही 1:-2 प्लस 3:-10 अपॉन 1+3 -2 -30 अपॉन 4 -32 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -8। सो पी के कोऑर्डिनेट क्या मिलते हैं, -9 -8, ओके। इसके बाद यहीं पे हमारा आंसर ख़त्म नहीं होता, और है कि पॉइंट क्यू भी, सो पॉइंट क्यू डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशो
पॉइंट क्यू, ये देखो एपी इज इक्वल्स टू पी क्यू, तो ये जितना होगा उतना ही क्यू आर इज इक्वल्स टू आर बी है, यानी कि पॉइंट क्यू क्या हो रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप यहां पर, है ना, मिड पॉइंट ही हो रहा है सीधा सीधा। सो पॉइंट क्यू ये कौन से रेशो में डिवाइड करेगा फिर, 1:1 में मिड पॉइंट है तो वो इक्वली पार्ट करेगा ना, 1:1 लिखो या 2:2 लिखो कोई दिक्कत नहीं है। सो हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, mx2 + nx1 / m + n, या तो ये यूज करने से अच्छा आप ये भी लिख सकते हो क्या, x2 + x1 / x2 + x1 / 2, तो x2 + x1 / 2 क्या रहेगा, 6 - 14 / 2, सो -8 / 2 = -4, और यहाँ पर क्या रहेगा, y = y2 + y1 / 2, सो ये रहेगा -2 - 10 / 2, सो ये रहेगा -12 / 2, सो ये रहेगा -6। सो हेंस q के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 - 6। देखो स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँगा क्योंकि अब वो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, बट देखो इसमें उतना कुछ समझाने के हिसाब से भी नहीं है। देखो ये पॉइंट क्यू है तो मिड पॉइंट हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला मैंने ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट आउट किए और मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल गए, है ना। तो उसके बाद क्यू के मिल गए, अब पॉइंट तीसरा बचा है आर, और आर में और पी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो 1:3 में कर रहा था, ये 3:1 में करेगा। सो पॉइंट आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन रेशो, कौन से रेशो में, 3:1 में वो डिवाइड करेगा। सो हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या रहेंगे, x = mx2 + nx1 / m + n, y = my2 + my1 / m + n, ठीक है। सो चलो ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे, सो 3 × 6 + 1 × -14 / 3 + 1, सो 18 - 14 / 4, सो 4/4 = 1, और y कोऑर्डिनेट आएगा 3 × -2 + 1 × -10 / 3 + 1, -6 - 10 / 4 - 16 / 4 - 4, सो ये कोऑर्डिनेट r के मिल रहे हैं हमको 1 - 4। सो ये p q और r तीनों भी हमको मिल चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 12th है, इफ a b आर गिवन, तो ये पढ़ते पढ़ते ही मैं लिख लेता हूँ क्या, a 2010 और b 020 गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विद डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉन्ग्रुएंट पार्ट मतलब ही इक्वल पार्ट, सो 5 है इसलिए 4 पॉइंट लेना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, तो इसको भी हम P, Q, R, S दे देंगे, ठीक है। सो ये है कॉन्ग्रुएंट, सो लेट P, Q, R, S डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन 5 इक्वल पार्ट्स, सो हेंस ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस बी, ठीक है। उसके बाद ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी, अब फिर से वही बात आ रही है, देखो पिछले दो क्वेश्चन से वही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। सो एक कंडीशन होती है इंसान की, वो भी बोर हो जाता है आदमी, सो ये है ए पी, और पी बी मतलब क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी,
सो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी, फिर ए पी अपॉन, ये चारों भी ए पी के समान है, सो ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी, सो ए पी अपॉन वन टू थ्री फोर, फोर ए पी इज इक्वल्स टू वन बाय फोर इज इक्वल्स टू वन इज टू फोर। आया समझ में? सो यहां पर ही लिख देता हूं मैं कि ए पी एंड यस बी, देखो ये भी, पर ये यस बी वन इज टू फोर करेगा, ये फोर, ये वन इज टू फोर है, ये फोर इज टू वन करेगा, ठीक है, जाने दो, जो ऐसा चल रहा है वैसे ही चल दूंगा कि ए पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन वन इज टू फोर रेशो, वन इज टू फोर रेशो में ये अगर डिवाइड कर रहा होगा, सो फिर से क्या आ रहा है, सेक्शन फॉर्मूला, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और इधर वाई इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एम वाई वन अपॉन एम प्लस एन, है ना। सो एम कितना है, वन, एक्स टू कितना लू, जीरो, ये एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन, सो जीरो प्लस फोर इंटू ट्वेंटी अपॉन वन प्लस फोर, जीरो प्लस एटी अपॉन फाइव, सो ये आया सिक्सटीन। फिर वाई इज इक्वल्स टू क्या, वन इंटू वाई टू है ट्वेंटी प्लस फोर इंटू वाई वन है टेन, यहाँ पे देखो यन चाहिए था, अपॉन एम प्लस एन यानी के वन प्लस फोर, सो ट्वेंटी वन जार ट्वेंटी प्लस फोर टेन जार फोर्टी अपॉन फाइव, सिक्सटी अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। सो हमको पॉइंट पी मिलता है जिसके कोऑर्डिनेट है सिक्सटीन और ट्वेल्व, ऐसे ही हमको और चार बार करना है, ये याद रख के ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। नाउ इन सच वे, ऐसे ही वे में अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट क्यू है ये कितने हैं टू और ये कितने हैं थ्री, सो टू इज टू थ्री रेशो में डिवाइड कर रहा है, सो पॉइंट क्यू डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन टू इज टू थ्री रेशो, ये टू इज टू थ्री रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इनके वैल्यू चेंज नहीं होंगी, ये समझ में आ रहा है ना, ये जीरो ट्वेंटी ट्वेंटी टेन ये नहीं चेंज होंगी, बस यही चेंज होगा एम एन, नहीं तो ये अभी तक के जो दो क्वेश्चन है मैंने उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें बता रहा हूँ मैं कि अब जाते जाते उतना तो भी याद रखने चाहिए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस वन एम प्लस एन, और वाई कोऑर्डिनेट है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। सो एम टू है, एन थ्री है, और इधर टू प्लस थ्री, इधर एम टू है प्लस एन थ्री है, इधर टू प्लस थ्री, ठीक है। अब जो x2 है वो x2 तो जैसा कि वैसे ही रहेगा, बाकी वैल्यू तो सब सेम ही है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 20, है ना। उसके बाद इधर भी देखो 2 मल्टीप्लाई बाय y2, अभी हमने क्या लिया था यहाँ पे 20, तो 20 और 10, सो ये 20 और ये 10। उसके बाद 2 0 0 3 2 सर 6 60 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ट्वेल्व,
और 22 are 40, 3 tens are 30, 40 plus 30 by 5, 70 by 5 इज इक्वल्स टू 14। सो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 12, 14। आए समझ में? ऐसे ही देखो स्टूडेंट्स कि पॉइंट आर जो है वो डिवाइड करेगा ए बी को 3:2 रेशो में, इसलिए कोऑर्डिनेट आर के वही है mx2 n x1। सो m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 2, यहाँ पे 3 plus 2, यहाँ पे m की वैल्यू 3 प्लस, यहाँ पे प्लस देना भूल गया था 2, यहाँ पे 3 plus 2। सिर्फ अब मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से अभी हमने कौन से वैल्यू रखे वो देखो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 0, 20, 20, 10। सो 0, 20, 20, 10। आ रहे हैं समझ में? आप, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, आपको जो समझ में आए वही करो। मैं क्या करते रहता हूँ कि भाई थोड़ी सी कुछ इनोवेशन करते रहता हूँ कि भाई जब आपको थोड़ी समझ में आ जाए उसमें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको जो ट्रेडिशनल वे चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो वैसे भी चलने दे सकते हो। पर मैं कुछ कभी कभी शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ ना। तो 300, 22 are 40, 40 upon 5, so 8। और 23 are 60, 20, 5, 80 by 5, और 80 by 5 means 16। सो आर के कोऑर्डिनेट्स है 8, 16। और उसके बाद है पॉइंट यस, ये जो है ये 4:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब वो भी क्यों डिवाइड कर रहा है वो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ गया, इसके पीछे है वो। ये देखो पॉइंट यस, ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, कितने पार्ट है 4, और ये कितना पार्ट है 1, इसलिए ये 4:1 है। हाँ, ये पूरा 4 और ये इतना 1, तो इसलिए 4:1 ले रहा हूँ मैं। सो फिर से वही बात है, 4, 0 plus 1, 20 upon 3, 4 plus 1, और y इज इक्वल्स टू 4 into 20 plus 1 into 10 upon 4 plus 1। ऊपर ही देख के लिख रहा हूँ मैं बस, ये 20 10, ये 20 10, और 4 1 ये अभी नया बना। सो 4 0 0 plus 20 upon 5, 80 plus 10 upon 5, ये आया 90 by 5 यानी कि 18, और ये आया 20 by 5 यानी कि 4। सो एस के पॉइंट मिले 4, 18। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 5.2 ख़त्म होती है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा है ये। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।